आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में आपका इस सृष्टि से एक नाता है, प्रभु से एक नाता है, लोगों से एक नाता है, लेकिन सबसे बड़ा नाता और रिश्ता आपका खुद से है। सभी रिश्ते निभाते हुए अपने साथ जो आपका रिश्ता है उसको निभाने के लिए अपनाएं ध्यान, योग, मेडिटेशन। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सबका इस प्यारी सी बेला में स्वागत करते हुए 9/5/2018 बुधवार है आज। चंद्रमा कुंभ राशि में अहोरात्र, नक्षत्र है धनिष्ठा, सुबह 10:11 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। आज बुध मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शाम 5:31 के बाद तो हम जानेंगे बुध के मेष में प्रवेश करने से क्या असर हुआ। इस प्रकार से मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य आज के मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:28 तक लाभ, सुबह 8:28 से लेकर सुबह 9:44 तक अमृत, सुबह 11 से लेकर दोपहर 12:16 तक शुभ, और दोपहर 4:04 से लेकर शाम 7:20 तक लाभ। ईश्वर बसता है विश्वास में, ईश्वर बसता है आपकी आत्मनिष्ठा में, ईश्वर होता है आपकी भक्ति में, ईश्वर आत्म है, परमात्मा है। आइए जानते हैं मेष से लेके कन्या राशि तक का राशि भविष्य। चंद्रमा कुंभ राशि में है, नक्षत्र हो जाएंगे 11:10 के बाद शतभिषा, लेकिन बुध आज मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो जानिए मेष राशि। लग्न में बुध का आना आपको श्री गणेश की आराधना की तरफ ले जाता है, बिकॉज आपको महसूस होता है थोड़ा सा आलस, आपके विरोधी आपके सक्रिय होते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी यात्रा वगैरह सफल नहीं हो रही, तो कीजिए श्री गणेश की आराधना। वृषभ राशि। आज के दिन बुध जब बुधादित्य योग बनाते हैं आपके द्वादश में, तो आपके विदेश से रिलेटेड सारे काम बनते हैं, आपके काम बनते हैं धन से रिलेटेड, आपका माइंड हो जाता है फ्रेश सभी डिसीजंस लेने के लिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आज जो बुध का स्थानांतरण होगा मेष राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग से, माइंड आपका चलेगा तेज, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा, बच्चों की तरफ से आपको टेंशन्स कम होंगी, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी तबीयत को संभालिए। बुध का मंगल की राशि में प्रवेश करना अपने आप में इंगित करता है कि आप श्री गणेश की आराधना करें। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आज बुध जब प्रवेश कर जाएंगे आपके दशम में, बुधादित्य योग बनाएंगे, तो आपके ढेर सारे काम विदेश से रिलेटेड और यात्रा अगर इंडोर की भी करनी है विद इन इंडिया, तो सब सफल होंगे और आपका पराक्रम उत्साह बढ़ेगा। फिर भी अगर वर्किंग प्लेस पे कोई उलझन हो तो संभल के। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए अब बुध का भाग्य में आ जाना आपको बुधादित्य योग बनाकर भाग्य से रिलेटेड सभी परेशानियों को दूर करवाता है, आपको अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं भाग्य से रिलेटेड, आपको धन आगमन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, यात्रा भी सुखद रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आज के दिन जब बुध प्रवेश कर जाएंगे मेष में, थोड़ी सी तबीयत को संभालना पड़ेगा, मंगल के घर में बुध देते हैं स्वस्थता, ऐसे में श्री गणेश की आराधना उत्तम रहेगी, या आप कर सकते हैं श्री कृष्ण की आराधना भी। और दूसरी बात, अपनी त्वचा, अपने फेफड़े, जुकाम, बुखार, इन सब चीजों से खुद को बचाए रखिएगा। जिंदगी में शांति से जीने के लिए दो तरीके अगर अपना लें तो सुख शांति बढ़ेगी। सबसे पहले सभी को माफ करते चलो और उनको भूल जाइए जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं एकदम तहे दिल से। आइए जानते हैं तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। बुध प्रवेश करेंगे शाम को मेष राशि में इस अंदाज से। तुला राशि। आज के दिन बुध के सन्मुख आने से आपके लग्न को मिलेगा बल, आपकी पर्सनालिटी में आएगा निखार, आपके प्रेम संबंधों में बेटरमेंट आएगी, लेकिन विवाहित अगर जीवन है आपका तो आपको संभल के चलना है। आप कर सकते हैं राधा कृष्ण की आराधना। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के लिए अब जब बुध प्रवेश कर जाएंगे षष्ठ में तो स्थान बलि तो रहेंगे, लेकिन आपके प्रेम संबंधों में सुधार होने के बावजूद आपको बेचैनी है पैसों से रिलेटेड और ननिहाल पक्ष से या मनमुटावों से या विरोधियों से, तो शांत रहिए, ये दिन भी जाते रहेंगे। बुध ज्यादा दिन टिकने के लिए नहीं आए यहाँ। धनु राशि। आज के दिन जब बुध महाराज आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे, तो आपको तरह तरह की योजनाएं सूझेंगी, नए नए कामों के लिए धनागमन भी होगा और हो सकते हैं थोड़ा बहुत आप बेचैन अपने विचारों को लेकर कि क्या सोच रहा हूं मैं, लेकिन डिसीजन पे आइए और बच्चों से रिलेटेड भी डिसीजन सही लीजिए। मकर राशि। मकर राशि के लिए आज जब बुध आपको चतुर्थ में प्रवेश कर जाएंगे तो अपनी माता की तबीयत का ध्यान, वाहन से रिलेटेड कोई डिसीजन अभी मत लीजिएगा और कोई भी रेनोवेशन वगैरह अभी टाले रखिए। फिलहाल आपको काम मिलता है जो, वो काम करते जाइए और अपनी माता के डिसीजंस पर आप चलिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जब बुध प्रवेश कर जाएगा आपके पराक्रम में, बुधादित्य योग बनाएगा, तो आपके लिए तरह तरह की राहें खुलेंगी काम की और आप निकलेंगे यात्रा पर जो सफल होगी। तरह तरह के आपको अवसर भी प्राप्त होंगे जिनमें आपके काम बन जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि के लिए बुध महाराज के द्वितीय में प्रवेश करने से वाणी में आएगा ओज। काउंसलिंग, कंसल्टेशन या किसी प्रकार का बोलने का काम, अगर आप कोई सिंगिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा और अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। सुखों के लिए अपने थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आज ही से अभी से प्रण कीजिए, निश्चय कीजिए कि रोज सुबह आप सूर्योदय से पहले उठेंगे। कहा जाता है कि जो सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य को देखता है उसके निर्णय सही होते हैं, उसका जीवन उत्तरोत्तर अच्छा ही होता जाता है। गायत्री के जाप भी फलते हैं आपको। अब हम बात करेंगे कि आपका घर जो है वो कैसी जगह पर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऐसे सीवरेजेस होते हैं और बड़े बड़े ऐसे स्थान होते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें लाके डम की जाती हैं। ऐसे स्थान पर अगर आपका घर हो और उससे शुद्धता नहीं रहे घर में, ऐसे में क्या किया जाए, उस दिशा की जो खिड़कियां हैं उसे बंद कर दी जाए या संभव हो तो अपने घर में ऑडोर या किसी प्रकार के सुगंध फैलाने के लिए तरह तरह के फूल रखे जाएं जिनसे शुद्धता आती है, पौधे लगाएं, तुलसी लगाएं और साफ सफाई को उचित प्रकार से करते रहिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको एक वास्तु टिप। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद और नमस्कार।